अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। कल गोल्ड ने एक मजाक कर दिया सारे बायर्स के साथ, सारे सेलर्स के साथ। कल जीडीपी के नंबर बहुत खराब आए थे। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे ज़्यादा खराब नंबर्स आए थे यूएस की जीडीपी के। उसके बाद गोल्ड ने ज़बरदस्त एक बाइंग दिया। 1838 का लो बनाने के बाद 1864 का हाई बनाया, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। उसके बाद गोल्ड ने वापस से मजाक शुरू किया। गोल्ड ने लो बनाया तकरीबन 1833 का, उसके बाद सेटल हुआ 1842 पे जाके। एक बहुत ही वॉलेटाइल सेशन था। पूरा दिन गोल्ड शांत था, लेकिन एक जो उसके बाद नंबर्स आए जीडीपी के, उसके बाद एक थोड़ा सा नहीं, मैं काफी थोड़ा सा तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा इज वेरी अंडर स्टेटमेंट, एक जबरदस्त मार्केट ने दोनों तरफ से स्टॉप लॉस खाया लोगों का। बाई में भी खाया जब लोगों ने यहाँ 50 के आसपास बाइंग किया होगा, सेलर्स का तो खाया ही, सेलर्स को तो बहुत मारा कल गोल्ड ने। मेन गोल्ड बढ़ा बिकॉज जीडीपी के नंबर्स इतने खराब आए थे। फिर उसके बाद गोल्ड ने जब थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में एंट्री दी, उसके बाद डॉलर इंडेक्स बढ़ने लगा। डॉलर इंडेक्स में एक जबरदस्त तेजी आने शुरू हो गई, जिसकी वजह से गोल्ड वापस से नीचे आ गया। इक्विटी मार्केट्स के लिए भी एक ड्रामेटिक डे था। इक्विटी मार्केट शाम की वीडियो में कवर करूंगा, 2 दिन से मैं शाम का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। आज से वापस से शाम का वीडियो शुरू हो जाएगा 7 बजे, और मंडे से मैं सोच रहा हूँ 7 की जगह 8 बजे का वीडियो कर दूँ, बिकॉज काफ़ी डेटा रहते हैं 7 बजे, तो वो उसमें कवर हो जाएंगे। तो मंडे से 8 बजे वीडियो रहेगा शाम को, और आज तो ऑफकोर्स 7 बजे ही रहेगा। वीक के बीच में मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। मंडे से वीडियो 8 बजे रहेगा शाम वाला, मेरे इंग्लिश चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। चलिए आज की फॉर्मेलिटी करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, बिकॉज ना तो ये रेजिस्टेंस मानेगा ना तो ये सपोर्ट मानेगा। आज पूरा इस पूरा वीक ऐसे ही है। चलिए देखते हैं क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट है। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 1853 डॉलर। गोल्ड का सपोर्ट है आज का 1828 डॉलर। 53 डॉलर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो वापस से नया हाई मतलब 1864-65 तक जा सकता है। 28 के नीचे 1820 और 1810 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड वीक जोन में है, तो बाइंग अवॉइड कीजिएगा। कल कॉमेक्स में भी गोल्ड बाइंग था हमारा, 1842 पे हमने बाई किया। हमने सोचा कि चलो वाह, रेजिस्टेंस ब्रेक करके आप काफ़ी नीचे आ गया, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, लेकिन गोल्ड ने मेरे दिल की बात सुन ली और नीचे आ गया। हमने 1837 के आसपास एंटर कर दिया था गोल्ड में, पूरा स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ बट यस, लॉस में एंटर किया। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर ने तो गोल्ड को एकदम फीका ही बना दिया था कल। अगर गोल्ड तुषार कपूर था तो सिल्वर शाहरुख खान था कल, ऐसा जबरदस्त उसके अंदर एक ऐसा उसके जबरदस्त एक मूव्स आए थे। 25 डॉलर से लेके 27 डॉलर, उसके बाद 25-70, उसके बाद वापस से 26-70, और अब वापस से 26-10। सिल्वर का चार्ट को आप और छोटा चार्ट कर दोगे, ये तो आवर्ली चार्ट है, तो ऐसा लगेगा कि आप थ्रिलर देख रहे हो। थ्रिलर दिखाई देता हूँ, फ्राइडे है तो पिक्चरें तो रिलीज हो नहीं रही हैं, दिखाई देता हूँ थ्रिलर। ये देखो यहां से एक्शन शुरू हुआ, जबरदस्त बिल्डअप हुआ, फिर एक ट्विस्ट आया, फिर वापस से एक ट्विस्ट आया, फिर यहाँ पे लोगों को लगा कि बस क्लाइमैक्स हो गया, लेकिन ये नहीं, यहाँ से वापस से एक ट्विस्ट आया, फिर लोगों को लगा चलो यहाँ पे क्लाइमैक्स हो गया, मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन नहीं, फिर वापस से एक आ गया। तो अब ये है आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। कल सिल्वर भी हमारा बाई था, इंटरेस्टिंगली एक बहुत 26 डॉलर 4 सेंट पे बाई था, 25-70 का स्टॉप लॉस था, 25-64 का हाई बना के, ये वाला हाई बना के 26-60 तक चला गया।
हमारा टारगेट 26-40 का था, तो मतलब बस उसको पता था कि स्टॉप लॉस खाने आना है और वापस जाना है। कल ऐसा डिप्रेसिंग डे था। सिल्वर का आज का सपोर्ट है 25-50 का, सिल्वर के रेजिस्टेंस है आज का 26-70 का। सिल्वर की रेंज ज़्यादा बड़ी है, सिल्वर की रेंज बड़ी ज़्यादा होने का मतलब यह है कि सिल्वर ज़्यादा मूव कर सकता है। उसका मेन रीज़न यह है कि कल एक्विटी मार्केट्स भी इतना ज़बरदस्त खराब डेटा आया था उसके बावजूद ऊपर चली गई थी, जिसकी वजह से सिल्वर में डबल डबल कह सकते हैं डबल जैक लग गया था, इसलिए सिल्वर ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी। अभी फिलहाल सिल्वर पॉजिटिव जोन में ही है, गोल्ड वीक जोन में है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। 53.60 तक चला गया था कल, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, अभी 52.20 के आसपास आ रहा है, वीक जोन में एंटर कर चुका है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं क्या क्या है। क्रूड ऑयल का आज का रेजिस्टेंस है $53 का। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है आज का 51.50 का। आज फ्राइडे है, तो अगर आप कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा मार्केट में होल्ड ना करें। मंडे के लिए 2 दिन बचे हैं, मतलब सैटरडे संडे रहेगा, कुछ भी हो सकता है, मार्केट मंडे कैसा भी खुल सकता है। तो मेरी तो हमेशा यही सलाह रहती है कि आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, अनटिल अनलेस आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है उसका, तो मंडे के लिए प्लीज होल्ड ना करें। अब एक बार MCX के लेवल देखने से पहले यूरो को देख लेते हैं। यह है यूरो का चार्ट, वीक जोन में है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं क्या क्या है। यूरो का रेजिस्टेंस है आज का 21.30 का। यूरो का सपोर्ट है आज का 20.50 का। जैसा कि बताया मैंने, यूरो का ट्रेंड वीक है, तो बाइंग अवॉइड कर लीजिएगा। अब चलते हैं MCX की तरफ। MCX का गोल्ड चल रहा है 48,760। आज का MCX का गोल्ड का सपोर्ट है 48,580। MCX गोल्ड का सपोर्ट, MCX गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 910, 48,910। सिल्वर चल रही है 68,450। आज का MCX का सिल्वर का सपोर्ट है 67,600। MCX सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 69,500। ये जो MCX से लेवल दिया है मैंने, ये USD/INR 73.81 रुपये 73.21 रुपये चल रहा है फेब्रवरी वाला, उसके हिसाब से दिए हैं। अभी 5 बजे INR बंद हो जाएगा, तो वापस से लेवल रिवाइज करूँगा मैं MCX के। रिवाइज लेवल देखने के लिए आप सब्सक्राइब के बराबर में जो ज्वाइन का बटन है उसे दबाएं। वो दबाने के बाद आपको कम्युनिटी पोस्ट में 5 बजे लेवल दिख जाएंगे जो मैं रिवाइज करूंगा। अब देख लेते हैं निफ्टी, उसके बाद देखेंगे बिटकॉइन। यह है निफ्टी का चार्ट। जिस तरीके से खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही डाउ जोन्स और नैसडैक को देख के निफ्टी पॉजिटिव ओपन हुई, बट 965 का हाई बनाने के बाद 100 पॉइंट डाउन हो गई है। एक घंटे में ही 870 के आसपास चल रही है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं क्या क्या है। निफ्टी का सपोर्ट है आज का 18,700 का, 13,700 का मेरा मतलब है। निफ्टी का रेजिस्टेंस है आज का 14,050 का। निफ्टी का ट्रेंड अभी भी वीक है, जब तक 14,050 ब्रेक नहीं होता है उसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो 14,200 और 500 जा सकता है। अब चलते हैं एक और एक्शन मूवी की तरफ, जिसका नाम है बिटकॉइन। यह है बिटकॉइन, $33,100 के आसपास चल रही है। रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। बिटकॉइन का सपोर्ट है आज का $31,700 का। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस है आज का $34,500 का। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरी पेड सर्विस लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
मैं शाम को भी एक वीडियो अपलोड करता हूँ अपने इंग्लिश चैनल पे। इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मुझे ट्विटर पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलूँगा आपको कल कल या फिर परसों वीकली एनालिसिस के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।